बैडमैन है वो पांच है, पांच में तुम हो, चार अदर है। उस ग्रुप में किसने तुम्हें लिंक तुम्हारे उस ग्रुप पर पोस्ट किया था, उस नंबर को बताओ। फोन नंबर ये तस्वीरें हैं बागपत के दोगढ़ थाना क्षेत्र की। तस्वीरों में दिख रहा है इस शख्स पर आरोप है कि इसने जोश नाम से चलाए जा रहे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर देश विरोधी और आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। गौरतलब है कि दोगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ हिंदू संगठनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है कि पलड़ी गांव के रहने वाले नईम ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर अश्लील और आपत्तिजनक पोस्ट डाली है। हिंदू संगठनों की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी ग्रुप एडमिन नईम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में आरोपी ग्रुप एडमिन नईम का कहना है कि एक लिंक के माध्यम से उसे जोड़ा गया, उसे 10 से 15 मिनट पहले ही एडमिन बनाया गया था। सर 100-150 करीब, मैं तो कुछ भी नहीं करा जी, औरों ने करा जी, जो भी करा जी, मतलब जी बस वो उन्होंने जो वो लिंक भेजा था उसने ज्वाइन करा, उसके बाद मन्ना जो मिलने चिलने वाले थे उन्होंने जोड़ दिया जी, बस इस मैं हुई जी। ग्रुप एडमिन कैसे बने आप? उधर से लिंक आया था जी मेरे पास, बस जी वो ज्वाइन करने से ग्रुप एडमिन नहीं बनते भैया। नहीं 10-15 मिनट पीछे बना जी उन्होंने, बना जी 10-15 मिनट पीछे बने, आप ही बना। अच्छा, जी पांच नंबर ग्रुप एडमिन के हैं, मतलब किसी को जानते? नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं जानते। किस तरह की पोस्ट आई थी उसको? वे तो जी सर जी मुझे भगवत महर्षि जी थे पल्ली के, उन्होंने बताया था कि भाई ये नहीं क्या है, मगर मैं फिर दिखा जी, फिर मैंने डिलीट करने शुरू कर दी। बस मैंने एक बात तो कही जी उन्हें, मगर भाई ये क्या है, मगर ये गलत है, बस इतनी बात तो कही थी गुरु में जी। वही इस पूरे मामले में सीओ बड़ोत ने बताया कि शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभी पुलिस इस मामले में विस्तृत छानबीन कर रही है। राष्ट्र विरोधी एक मैसेज आया था, इस पर को पुलिस के संज्ञान में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके जो ग्रुप एडमिन है उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है।